हेलो गाइस वेलकम टू एन अकाडमी मैं हूं निकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस तो आज के डीएनए के बाद बहुत सारे लोग जो है काफ़ी खुश थे बिकॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड तो अगेन uh, इससे एक बड़ी हास्यास्पद बात जो है वो याद आती है तो वन ऑफ माई वेरी गुड सीनियर्स उनके पास मैं काम करता था आई I मीन mean, काम सीखता था आई वॉज़ लाइक मोर लोफ एंड टर्न तो so, वहाँ पे जो है कहा जाता था कि जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे को गुलाम बना के रखा है इतने साल तो वन एवर एंड इंडियन जो कि थोड़ा अच्छा वेल्दी हो या फिर अगर नॉर्मल भी हो एंड ही हैज़ एनअफ़ सेविंग्स कि वो थोड़ा बहुत पैसा वेस्ट कर सकता है तो ही यूज़ टू विज़िट इंग्लैंड तो क्या करते थे कि इंग्लैंड में जाके कर वहाँ पर वो जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि बूट पॉलिश का सिस्टम होता था कि आपको सड़क पे जो है जूते साफ़ कर रहे हैं कपड़े से वो राइट पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा तो उस तरीके से पाँच या दस पाउंड जो भी लगते थे बूट पॉलिश ज़रूर कराते थे एंड सिमिलरली एक भिखारी को बीख ज़रूर देते थे या फिर जो गिटार वगैरह बजा रहे होते थे उनको बीख ज़रूर देते थे तो इट वॉज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ ईगो सेटिस्फैक्शन कि हम अंग्रेज़ को बीख दे रहे हैं या हम हमने अभी अंग्रेज़ से जूते पॉलिश करा लिए तो उस तरह का एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुआ है एंड अगेन हमने देखा था कि पाकिस्तान भी अब उनकी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं क्लेम कर रहा है सो इट वॉज अ ह्यूमरस थिंग तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो सो so आज के पी आई वी एनालिसिस की बात करें तो हमने जो दो टॉपिक्स देखने हैं आज वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी तो सिनर्जी के बारे में पढ़ेंगे जी एस थ्री साइज एंड टेक का पार्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और डायरेक्ट आपको प्रिलियम्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एंड सेकेंड हम देखेंगे पोर्टल फॉर ईज ऑफ लिविंग ऑफ पेंशनर्स तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लॉयज़ हैं जो कि पेंशन पर पे निर्भर हैं पेंशन से उनका घर का जीवन व्यापन चलता है उनके लिए एक पोर्टल जो है वो बनाया गया है ताकि उनकी लिविंग ईजी हो सके तो इन दोनों चीजों को हमने समझना है अगेन ये आपका जीएसटू का भी पार्ट है प्लस साथ ही साथ जो हम सोशल सिक्योरिटी या सोसाइटी पढ़ते हैं सोशल नीड्स पढ़ते हैं उसके अंदर भी आता है तो इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्डर पॉइंट फॉर योर मीज इंटरव्यूज एस राइट तो इन सबको हमने करना है सो so, सबसे पहले बात करते हैं सिनर्जी की तो सिनर्जी तो जो सिनर्जी है उसको सर्ट इन ने होस्ट किया था साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये सर्ट का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और आई एन सी इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया तो इन्होंने सिनर्जी को चलाया जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी जैसे हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं और इसमें तेरह देशों ने जो है वो भाग लिया था एक इंटरनेशनल काउंटर रैनसमेयर इनिशिएटिव था ये तो काउंटर रैनसमेयर मतलब कि रैनसमेयर को रोकना रैनसम क्या था जो आपको सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता था और उसको एक्सेस करने के लिए फिरौती मांगता था राइट तो रैनसम बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था वोना क्राइक एक तरह का रैनसम था ठीक है तो उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है वो की गई थी इसका नाम सिनर्जी रखा गया था इससे हम एक ऐसा नेटवर्क रेजिलियंस बनाना चाहते हैं जिससे कि रैनसमवेयर या साइबर एक्सटॉर्शन या फिरौती मांगना ये सब चीज़ें जो हैं बंद हो सकें और इसको हम कोलाबोरेट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ तो सिंगापुर आईटी के अंदर काफ़ी अपना नाम रखता है तो हम उनके साथ कोलाबोशन में इस चीज़ को कर रहे हैं थीम की बात करें तो थीम थी बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक्स जैसे मैंने आपको बताया अपने आप में नाम काफ़ी ज़्यादा क्लियर है तो इससे हम रियल लाइफ के अंदर जो आम लोगों के साथ भी जो ना केवल ऑर्गनाइजेशन या कॉरपोरेट्स बल्कि आम लोगों के साथ भी जो आ, कहीं ना कहीं साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं अगर सर्ट की बात करो तो सर्ट जो है इंडिया की नेशनल नोडल एनर्जी एजेंसी है जिसका काम है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना और आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको मेन फंक्शनल बनाया गया है ताकि सारी तरह की चीज़ें ये रोक सके अगर कोई भी चीज़ हार्मफुल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर सर्ट को डेजिगनेट किया गया था एज ए नोडल एजेंसी और उसके बाद से ये अच्छे से काम कर रही है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके जो अलर्ट्स होते हैं फोरकास्ट होते हैं एनालिसिस कलेक्शन ऑफ डाटा उसके बाद इंफॉर्मेशन को पहुँचाना उसके बाद जो, जो नुकसान हुए उनकी भरपाई करने की कोशिश करना उन मतलब सिक्योरिटी वाइज नॉट मॉनिटरी वाइज सिक्योरिटी वाइज इसके अलावा एडवाइजरीज़ वेलरेबिलिटीज़ गाइडलाइंस इशू करना सिक्योरिटी के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर्स और प्रिवेंशन के लिए इस चीज़ें लाना सॉफ्टवेयर्स बनाना छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए थे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर फॉल करती हैं हेड है। क्वार्टर्स इसका दिल्ली के अंदर है 2004 के अंदर इसे बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और संजय बहल इस वक्त इसके डायरेक्टर जनरल हैं नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो पेंशनर्स के लिए ईज़ ऑफ लिविंग पोर्टल जो है वो बनाया गया है इट इज़ अगेन पार्ट ऑफ जी सोशल जस्टिस गवर्नमेंट स्कीम्स तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डी ओ पी पी डब्ल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये फॉल करता है उसने एक अवेयरनेस सीरीज बनाई है अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स के थ्रू जिससे कि पेंशन रिलेटेड वर्क जो है वो बैंक के अंदर आसानी से कम्प्लीट हो पाएगा इस पोर्टल के अंदर जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो सारी की सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर देगा उसके बाद एक चैट बॉक्स भी बना दिया जाएगा जिसके थ्रू आप सीमलेसली इंटरेक्शन कर सकते हो और पेंशनर गवर्नमेंट और बैंकर तीनों एक तरह से सेम जगह पे लिंक हो जाएंगे तो आप ऑनलाइन चैट के थ्रू भी यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल जो है वो ले पाएंगे इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आप ऑनलाइन ही कर पाओगे तो कोई पॉलिसी हो प्रोसीजर हो उसको अमेंड किया तो इमीजिएटली वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा अगर किसी पेंशनर की कोई मृत्यु हो एक्सेट्रा हो जाती है तो वो चीज़ें आप अपडेट कर पाओगे बेनिफिशियरी को अपडेट कर पाओगे अगर कहीं पे डी एन अलाउंस बढ़ाया जाता है तो पेंशनर्स के लिए डी यानी कि डी रिलीफ बढ़ाया जाता है तो डी रिलीफ बढ़ाया जाएगा तो वो इमीजिएटली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो जो बाद में फिर एरियर्स कैलकुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं आप प्रोसीजरल टाइम जो है वो कट कर सकते हो इसके अलावा जो भी बैंक ऑफिशियल्स को और इश्यूज होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप स्टडी कर पाओगे और उन इश्यूज को जब आप स्टडी कर पाते हो तो आप सॉल्यूशंस भी निकाल पाते हो तो उन स्मार्ट सोल्यूशन से हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर पाएंगे इसके अलावा जो पेंशनर्स के गीवियस होते हैं मेनली कि उनको हर साल जाके अपना जो है लाइफ प्रमाण पत्र जो है वो देना होता है कि वो जिंदा हैं ताकि उनके अकाउंट में पेंशन आए तो उस चीज़ को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिजिटाइज करने की कोशिश हमने देखा था की गई थी पहले एस के थ्रू की गई थी फिर काफ़ी और बैंक्स को भी यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की गई थी तो आप घर बैठे ही आप वीडियो कॉल के थ्रू जो है कुछ जो कुछ भी टास्क बताए जाते हैं वो करते हो और आपका ये माना जाता है कि आप लाइव हो और आपकी जो पेंशन है वो रिज्यूम हो जाती है क्योंकि अदरवाइज पुराने टाइम में क्या होता था कि जो आपके ट्रेजरार होते थे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरार ऑफिसर्स उनके पास जाके आई एम सॉरी तो उनके पास जा कर के आपको जो है अपनी एक लाइव अटेंडेंस काइंड ऑफ थिंग कहनी होती थी आपका प्रमाण हो जाता था कि आप ज़िंदा हैं तब होता था तो जो लोग तो हेड क्वार्टर्स में रहते हैं कैपिटल ऑफ सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए तो ठीक होता था लेकिन बाकियों के लिए दूर से स्पेशली आना और वो करना एक तो खर्चा दूसरा कोई बेटा या बेटी सपोर्ट करने वाली ना हो तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती थी राइट right? एंड उसके बाद हर बार आना कई बार आप मेडिकली फ़िट नहीं होते हो एज के साथ साथ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मेंटल हेल्थ आपकी उतनी ठीक नहीं रहती तो वो सारे इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं होते तो ऑनलाइन होने के कारण ये सारे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देखने को चीज़ें मिलेंगी इसके अलावा जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उससे आपकी जो बैंक्स हैं उनके ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी तो वो जो बैंक इम्प्लॉयीज़ है वो पहले ही ट्रेंड होंगे इस चीज़ में ताकि अगर उनकी ट्रांसफ़र्स होती है तो भी वो और जगह जाके अपनी एक्सपर्टीज को लेके जाएंगे तो बेसिकली दे विल बी अ लुब्रिकेंट नॉट अ फ्रिक्शन क्रिएटिंग थिंग ठीक है इन द प्रोसेस ऑफ पेंशन डिस्पर्सेंस तो पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी आप कह सकते हो ईज़ ऑफ लिविंग जैसे इसका नाम दिया गया है तो यह काफ़ी अच्छी स्कीम uh, है जो कि सोशल जस्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाती है सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे अगर आप यू पी एस की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप यू पी का अन का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए जिसके अंदर आपको प्लस आइकॉनिक और लाइट तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है आइकॉनिक के अंदर आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिल जाती है जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए मोटिवेशन है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अन का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा हेल्प करता रहेगा और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियाँ जो है वो रह गई हैं जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ एक्सेट्रा या रिविजन क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो सभी कोर्सेज़ के अंदर आपको अट्रैक्टिव ई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो है वो भी मिल जाएंगे जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आप यूज़ करिए मेरा कोड एन आई सेवन ये मेरा, मेरा रेफरल कोड है इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं टेन परसेंट से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में चाहे आप एक साल का लें दो साल का लें एक छः महीने का लें या फिर आप प्लस लें एकॉनिक लें लाइट लें सभी में आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा और उसके बाद आपको करना क्या है इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है वन यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माय ग्रुप एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हो कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू तो एन या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विध रिस्पेक्ट टू तो रिसोर्सेज या एन अकेडमी से रिलेटेड या कोई आपको नोट्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा सो दिस वॉज इट फॉर टू डे इज वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे अइस डे